शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, लेकिन अस्पताल द्वारा उसे खून की एक भी यूनिट नहीं मिल पाई है। इसके चलते उसका बेटा ही खून की तलाश में पिछले कुछ दिनों से ठोकरें खा रहा है। वहीं जब मासूम से इसके बारे में पूछा गया तो वो खुद को नहीं रोक पाया और इंसाफ नहीं मिलने पर रोने लगा। 15 दिन से दौड़ रहे, उसके बाद क्या पिताजी के लिए कोई ट्रीटमेंट कितना हुआ, कुछ आपको फायदा हुआ यहाँ पे? अच्छा, पुलिस ने क्या कहा? तुम परेशान हो, आज तुम यहाँ परेशान होके बैठे हो, तो क्या पुलिस ने कहा? पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की? पुलिस ने कही हम कछु नहीं करी, आओ उन्हें कछु नहीं करो, उन्हें कही 23-24 धारा लगाई थी और बस पहुँचाई दो, उन्हें पैसा नहीं दे बस। पुलिस ने रिपोर्ट ना दर्ज करी, हमने सौ नंबर बुलाई, फिर एम्बुलेंस आई, उन्हें सौ नंबर वाले ने कहा एम्बुलेंस बुला, वो अस्पताल ले के आई एम्बुलेंस, हमें वहाँ ले गई, फिर वहाँ से रिफर शाहजहांपुर के लेकर दो। वहीं सीएमओ ने कहा कि मरीज की हर संभव मदद की जाएगी। अभी हमको मीडिया के द्वारा जानकारी मिली कि उस जो पेशेंट एडमिट है उसके साथ एक बच्चा है और वो साथ ब्लड के लिए इधर उधर टहल रहा था, तो जैसे मुझे जानकारी मिली उसी समय हमने ब्लड बैंक से कांटेक्ट किया और उसमें वहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट ब्लड देने के लिए बात कही, तो उन्होंने वहाँ पे कहा बताया कि आज दो लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उसको फ्री ऑफ कास्ट हमने चार्ज कर दिया है, प्लस एक यूनिट ब्लड की और भी व्यवस्था कर दिया है जैसे भी आवश्यकता होगी, क्योंकि वो पेशेंट जो है वो कंपाउंड फ्रैक्चर का है तो उसको ये प्रॉब्लम्स हो रही है, थोड़ा सा सीरियस है, हमने आर्थोपेडिक सर्जन से भी बात की है, तो ऐसी स्थिति में ब्लड तुरंत उसको उपलब्ध कराया जाएगा जैसी भी आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि गांव के ही दबंग भूमाफियाओं ने मरीज की जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसका विरोध करने पर पीड़ित की बेरहमी से पिटाई की गई। फिलहाल सीएमओ के निर्देश के बाद पीड़ित को मदद की थोड़ी आस जरूर हुई है। शाहजहांपुर से नंदलाल की रिपोर्ट।